पुस्तक के नायक और वैसे भी नायक ही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अनिल कपूर की जो फिल्म बनी थी उसमें अनिल कपूर नहीं होते तो भगत दा को ले सकते थे। ऐसे हमारे परमादरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे लेखक तुषार बैनर्जी और यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन ये बहुत ही अच्छा दिवस है, क्योंकि जिस पुस्तक को हम प्रकाशित कर रहे हैं, कई बार पुस्तक का टाइटल और उसके नायक की व्यक्ति रेखा, इसमें कोई समन्वय नहीं होता। टाइटल तो लोग दे देते हैं किंतु अंदर वैसा प्रतीत नहीं होता, पर ये जो टाइटल है, भगत सिंह कोश्यारी अ सोल डेडिकेटेड टू द नेशन, मैं ऐसा मानता हूं कि टाइटल और व्यक्ति इसमें भेद ही नहीं हो सकता, इतना सुंदर ये टाइटल यहां दिया गया है। अपने पूरे जीवन में जिस व्यक्ति ने केवल समाज और राष्ट्र का विचार किया हो, न खुद का विचार न अपने परिवार का विचार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और देशभक्ति के संस्कारों के साथ अपना सारा जीवन देश हित में उन्होंने अर्पण किया, और उसी के चलते देश सेवा करते करते जो भी जिम्मेदारियां मिली, हर जिम्मेदारी को बड़ी दृढ़ता के साथ और पूरे लगन के साथ निभाने का काम भगत दा ने किया। चाहे एक प्रचारक के रूप में हो, एक विधायक के रूप में हो, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हो, विपक्ष के नेता के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, या फिर राज्यपाल के रूप में, और ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी ने जो सदन तैयार किए, ऐसे चारों सदन देखने वाले व्यक्ति बहुत कम है। भगत दा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रहे, भगत दा लोकसभा में भी रहे और राज्यसभा में भी रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, वो जहां जाते हैं वहां चंद समय में ऐसा लगता है कि ये बहुत सालों से यहां है, लोगों को अपना लेते हैं, लोगों को अपने लगते हैं। आप विचार कीजिए, राज्यपाल जी यहां पर 3 साल पहले आए, करीब 5/9/2019 को यहां पर आए, 3 सालों में 2 साल तो कोविड के थे और सब समझाते थे कि बाहर मत निकलिए, लेकिन वो थोड़े सुनने वाले थे, बाहर भी निकले और जब बाहर निकलने से एकदम मना किया तो यही कार्यक्रम कर लिए, और 3 सालों में 1077 कार्यक्रम, 1077 कार्यक्रम पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में, और जहां कोई पहुंचता नहीं है, और बीच में तो एक समय ऐसा था कि सरकार के प्रमुख भी कहीं जाते नहीं थे, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं जाते थे, मंत्री भी नहीं जाते थे, कोविड था इसलिए नहीं जाते थे, पर भगत दा थोड़े रुकते थे। ये तो 3600 जिलों में, और विशेष रूप से जहां आदिवासी क्षेत्र है,
जहां सीमा का क्षेत्र है, जहां सुदूर क्षेत्र है, ऐसे सारे क्षेत्रों में पहुंचकर वहां रहकर वहां सारी बातें सुनकर और उसके ऊपर सॉल्यूशंस, केवल जाकर नहीं, यहां आने के बाद सारे अधिकारियों को तलब किया जाता था, मैं स्वयं जाकर आया हूं, ये चीजें हैं, इसको सुधारिए, और सुधरी कि नहीं वापस देखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजभवन को भी ऐसे राज्यपाल मिले होंगे पहली बार कि जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो टाइम ही टाइम है और पूरा समय सबको ऑन द टोज रखते हैं। लेकिन केवल 1077 कार्यक्रम, इतने रिकॉर्ड इनका नहीं है, तो 48 कॉन्वोकेशन इन्होंने अटेंड किए, 3 साल में 48 यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन अटेंड करना, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक इनकी कार्य पद्धति है, इसके कारण इस राजभवन को भगत दा ने लोक भवन में परिवर्तित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित किया, वैसे ही इसको लोक भवन में परिवर्तित किया, और कोई भी व्यक्ति राजभवन आ सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था आज यहां पर हमको दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। वैसे तो माननीय राज्यपाल जी के स्वभाव के कई गुण ये किताब में भी आए हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की, उनके गांव से लेकर, तो उनकी जर्नी भी इसमें कैप्चर हुई है, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से अलग अलग विषय जो न केवल उन्होंने हैंडल किए बल्कि जिनको अंजाम तक वो ले गए, और जिसमें सबसे बड़ा तो OROP वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा विषय है कि देश के सैनिकों की कितने दशकों से मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी भगत दा ने अपने कांधों पर ली और ऐसा रिपोर्ट तैयार किया कि जिस रिपोर्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा, और हमारे देश में हमारे सैनिक जो हमारे लड़ते हैं उनके ऊपर जो अन्याय होता था उस अन्याय को दूर कर हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देकर वन रैंक वन पेंशन लागू किया, इसका जो क्रेडिट है वो जितना मोदी जी को जाता है वैसा ही वो क्रेडिट आदरणीय भगत दा को भी जाता है। और उसकी भी लड़ाई या उसमें भी जो काम भगत दा ने किया उसको इस किताब ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। मैं लेखक का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। वैसे तो भगत दा पर किताब लिखनी है तो मुझे लगता है कि 5-6 एडिशन उसकी निकालनी पड़ेगी, लेकिन आपने एक किताब में बहुत अच्छे तरीके से कई चीजें कैप्चर कर ली। मैं तो किताब जब मेरे आई तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी छोटी किताब में इतना कार्य आपने समेट कैसे लिया, लेकिन आपने आवश्यक चीजें उसमें ली है और कई चीजें जो लोगों को समझनी चाहिए लेकिन जगह नहीं थी इसलिए आपने उसको छोड़ा है। मुझे लगता है और भी किताबें निकलेंगी तो अलग अलग एंगल जो है वो भी निकलेंगे। अब जैसा हम लोगों ने अनुभव किया कि बेबाकी से बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हंसते हंसते आपके मुंह पर ऐसी बात बोल देंगे। दूसरा कोई नहीं बोलेगा, वो ही बोलते हैं, पर आपको बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान में आएगा कि गलती है भाई, सुधारना पड़ेगा। तो हमारे कई साथी जो पहले सरकार में थे, बीच में 2.5-3 साल अभी नहीं है, अब हमारे दोस्ती है तो हमारे साथ बैठते हैं, वो कहते भाई आपके राज्यपाल जी बहुत महान है। हमने कहा क्यों? दे हम तय करके जाते थे सब लोग क्या झगड़ा करके आएंगे राज्यपाल जी से और क्या क्या कहकर आएंगे, और वो हमको ऐसा घुमाते थे कि क्या कहना है हम भूल जाते थे और उनकी बात सुनकर ही वापस आ जाते थे। ये एक
इसका कारण यह है कि मन में स्वार्थ नहीं है, खुद के लिए कुछ करना भी नहीं है, जो करना है देश के लिए समाज के लिए करना है, संविधान का संरक्षण करना है, और राज्यपाल जी के लिए तो एक बहुत टाइट रोप इस प्रकार की परिस्थिति होती है। पर वोलाटाइल ऐसा प्रकार परिस्थिति थी, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र को एक लीडरशिप दी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी उनके व्यक्तित्व का एक बहुत अलग इस प्रकार का एंगल है। और विशेष रूप से बहुत कम समय में मराठी भी सीख ली और मराठी में कुछ भाषण भी करना चालू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये मैं सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे गवर्नर साहब के साथ काम करने का मौका हमको मिला, जिन्होंने हमको छोटे भाई जैसा बेटे जैसा प्यार दिया, कभी गलती हुई तो समझाया और हमेशा उनके सिर में कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जो जनता के हित का होता है तो उनके पास आप जाओ और ऐसे ही आप बातचीत करके निकल जाओ, ऐसा कभी होता नहीं है। कुछ उनसे प्राप्त भी होता है, कुछ बातें वो बताते भी है, लेकिन स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं बताते। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पिछले राज्यपाल जी का कि जिन्होंने इतना अच्छा बंगला भी बना दिया, ये राजभवन भी बना दिया। इनके जमाने में होता तो एक झोपड़ी बनाते, खुद भी रहने को जाते और हमको भी उसी में बुलाते। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और उनके सामने कितना बोलना चाहिए इसका भी कोई एक प्रोटोकॉल होता है, तो कुछ और कुछ चीजें आप सबके सामने मैं नहीं बोल सकता हूं। इसलिए मैं लेखक का बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे आदरणीय राज्यपाल जी को ईश्वर बहुत लंबी आयु दे। वो कभी कभी कहते हैं यार पहाड़ी के आदमी को तुमने समंदर किनारे लाकर रख दिया, मुझे पहाड़ी में वापस जाने दो। मैंने उनको एक दिन कहा पहाड़ी यहां लाएंगे लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। तो निश्चित ही ईश्वर उन्हें बहुत लंबी उम्र दे और बहुत अच्छे काम उनके हाथों से हुए और अच्छे काम उनके हाथों से हो, ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।